भाग्यशालियों, आज जो है 6 नवंबर को हम सोमवार के दिन दूसरी क्लास नए टाइम टेबल के हिसाब से देवचंद्र चौबीसी के स्तवन में, खास करके 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन के कंसेप्ट को लेकर के ज्ञान प्रयोग कर रहे हैं। हाँ जी, इस कंसेप्ट के अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, पहली क्लास में भी हमने किया था। तो शब्द यहाँ पर है श्री सुपास आनंद में, पूर्ण अनंत नो कंद हो जिन जी। सुपार्श्वनाथ भगवान को देख रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, यही विषय ले रहे हैं, और फिर वो आनंद का विषय ज्यादा उठाया है। कौन सा आनंद है? ज्ञान आनंदे पूर्णो पवित्र चारित्र आनंद हो। जब आत्मा का कोई भी गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है, तब उस गुण का पूर्ण आनंद भी प्रकट किया जाता, अनुभव किया जाता है। जब एक गुण जो अपने आप में पूर्ण रूप में रहता है, तो उसी गुण का पूर्णता का आनंद भी आत्मा को बहुत बड़ा। अब ये विशेषता है, अब इसको कौन समझते हैं, कितने समझते हैं, ये अनुभव का प्रयोग है। आज उसी में हम आगे चल रहे हैं कि भगवान को संरक्षण मिलना, और नाथ भी कहा है, धनवंत भी कहा है, और भगवान को कर्ता भाव में भी लिया है, अजय अनंत भी कहा है, आप अगम अगोचर कहा है, अन्वय रिद्धि सद्गुण कहा है, और इस तरीके से जिन जिन गुणों का विशेष वर्णन करते हुए ये बात की है, तो उन स्वरूप को हमें समझना है। राजेश जी, जरा आप अपने इंटरेस्ट ना हो तो जरा म्यूट कर दीजिए, आपने अनम्यूट रखा है तो यूट्यूब में डिस्टर्ब जा रहा है। हाँ जी रेडी, आप सभी अपनी अपनी तरह से एक आसन में स्थिर होकर के बैठ जाइए। शांत, जिनको जिस आसन में बैठना हो, जिधर बैठना हो, स्थिरता बना के रखिए। शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता में काफी उपयोगी है, और एक बार शरीर को स्थिर कर लेंगे, फिर आप बरोबर उसी स्थिरता में बने रहेंगे। सिर्फ आपको बरोबर सुनना है शब्द, और पहले प्राणायाम भी करना है, नाम स्मरण भी करना है, श्वास निरीक्षण भी करना है, ओम का उच्चार भी करना है, प्राथमिक क्रिया करके फिर ध्यान प्रयोग है, और फिर लास्ट में वापस बाहर निकलते हुए भी हम यही करेंगे। रेडी? धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चार करना है। अब जब जब ओम का उच्चार करोगे, बरोबर शांति से मन के अंदर चिंतन अरिहंत का करेंगे, सिद्ध का करेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि भगवंतों का चिंतन मनन कर, जो भी हमको 5 सेकंड 7 सेकंड जो मिल रही है उसके बीच में आपको। रेडी? धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते जाइए। धीरे धीरे श्वास लीजिए।
धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। त्रिसुपार्श्वनाथाय नमः। जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, आंख खोलेंगे नहीं, शांति से मन में धीरे धीरे जाप करेंगे।
धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक श्वास को आते जाते देखिए। श्वास आ रही है, जा रही है, स्वाभाविक श्वास है। कोई हमें प्रयत्न नहीं करना है, कुछ भी लक्ष्य नहीं देना है। नेचुरली सहज स्वाभाविक श्वास आ रही है, जा रही है, सिर्फ देखते रहना। श्री सुपार्श्वनाथ भगवंत को अपने समक्ष देखिए। श्री सुपार्श्वनाथ भगवंत अनंत ज्ञान गुण के से परिपूर्ण है। ज्ञान का आनंद भगवान में अपार है। चारित्र गुण का आनंद भगवान में अपार है। वीतरागता का भाव पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। ऐसे परमात्मा वीतरागी सर्वज्ञ बने हुए प्रत्यक्ष अपने समक्ष देखते जाइए, देखते। अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय,
अनंत चारित्र भय। ऐसे परम गुणों को अनंत प्रमाण में प्रकट करके स्वयं सुभाषनाथ भगवान आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा को बिल्कुल स्पष्ट सामने देखते हुए हम भी अपार आनंद की अनुभूति कर रहे। परमात्मा हमारा संरक्षण करने वाले नाथ है, योगक्षेम करने वाले प्रभु हमारे नाथ। द्रव्य बिना धनवंत है। भगवान हमारा योगक्षेम करने वाले नाथ है। परमात्मा को हम सुभाष नाथ करके देख रहे हैं। द्रव्य बिना धनवंत है। हमें भगवान के पास कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान का गुणधन भी बहुत अपरंपार है। इतने गुण अनंत प्रमाण में प्रकट है। इन्हीं गुणों को धन स्वरूप समझ के हमें भी अपने गुणों का प्रकटीकरण कर दो। प्रत्यक्ष में परमात्मा एक तरफ प्रभु हमें नाथ दिख रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान धनवंत दिख रहे हैं। पास में कुछ भी नहीं है, वितरागी ऐसे प्रभु धनवंत के रूप में दिख रहे हैं। कर्ता पद क्रिया
संत अजेय अनंत हो। भगवान स्वयं आत्मा के रूप में कर्ता भाव में, कोई भी आत्मा स्वयं अपने ही कर्ता भाव से क्रिया प्रवृत्ति का व्यवहार करने, संत अजेय अनंत, भगवान ने सर्व कर्मों का क्षय करके पाप कर्मों को जीत लिया है। इंद्रियों को जीत करके भगवंत बड़े विजेता बने हुए हैं। कर्मों को जीत करके भगवान बहुत बड़े विजेता बने। साधक के रूप में मैं बैठा हूं, परमात्मा का आलंबन है, प्रभु हमारे नाथ है, इधर भगवंत हमारे धनवंत है, सर्वगुण संपन्न है, इधर परमात्मा ही क्रिया स्वरूप में करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ, परमात्मा की शरण में हूँ, मुझे कोई रत्ती भर भय नहीं, कोई चिंता कुछ भी नहीं हो। परमात्मा अजेय है, अनंत है। अजेय मतलब दूसरों से जीते नहीं गए, स्वयं विजेता है, कर्मों के विजेता है, स्मृति के विजेता है,
अगम अगोचर अमरत्व। हे प्रभु, आपका कोई रूप स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपकी अस्तित्व को समझकर मैं आनंदित हूं। आत्मा का कोई रूप स्वरूप होता नहीं है, रंग होता नहीं है। ऐसा कोई दृश्यमान स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं देखने का आग्रह नहीं रख रहा हूं। परमात्मा, अनुभूति की मैं प्रतीति कर रहा हूं, देखने का कोई आग्रह। श्री सुपाल भगवान अजर अमर स्वरूप, आत्मा तत्व से परमात्मा भी अजय है, अमर है, त्रिकाल नित्य शाश्वत है। इसी स्वरूप को देखते रहे। सहज रूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, सारे गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हुए मैं देख रहा। वर्ण गंध रस स्पर्श रहिता, निज स्वरूप के निज गुण के भोक्ता प्रभु सुपार्श्वनाथ आप ही हो।
हे प्रभु, आप अपने शुद्ध स्वरूप को भोक्ता, आप ही अपने गुणों के भोक्ता हो। श्री सुभाष आनंद में ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवंत को परम आनंदित स्वरूप में मैं प्रत्यक्ष देख रहा। स्पष्ट स्वरूप से देखने की कोशिश करी। धीरे धीरे स्वाभाविक श्वास को देखने लगी। सहज स्वाभाविक श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। सिर्फ देखना है, देखते रहिए, देख। सुपार्श्वनाथाय नमः। सुपार्श्वनाथाय नमः। श्री 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 सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। सुपार्श्वनाथाय नमः। श्री 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 सुपार्श्वनाथाय नमः।
सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, ओम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः, श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेकर के ओम का उच्चार करेंगे एक साथ में। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए।
शांति शांति शांति। नमो 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 मंगलानं मंगलं भगवान मेरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोले भद्राद जय नमोस्तु चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पन्नतोदम मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पन्नतोदम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मा जयनम जयति शांति। बहुत बहुत धर्म लाभ सबको, खूब आशीर्वाद बख्शे। ना साहेब साता मारे चार जो वंदना साहेब जी काल साता मारे जी वंदना प्रणाम साहेब जी काल वंदना।